नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिकबैट, ऑनली टेक। दोस्तों आज है हमारे पास ये एक स्पेशल गैजेट, और ये जो गैजेट है ये बहुत ही यूनिक किस्म का है। ये है गीक की तरफ से आने वाला ग्लैंटियर A8 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो कि वायरलेस है। मेरे पास पहले से दो वैक्यूम क्लीनर है जिनकी अनबॉक्सिंग मैं अपने चैनल पर कर चुका हूं, लेकिन वो काफी साइज में बड़े हैं तो उनको कैरी करना काफी मुश्किल होता है और बहुत लंबी वायर उनके साथ आती है। अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये पूरी तरह से वायरलेस है, बैटरी पर काम करता है, आप इसे चार्ज कीजिए और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे स्टूडियो में सफाई करने के काम आएगा, हमारे जो कंप्यूटर के कीबोर्ड होते हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं, और हाँ मैं इसे ले जा सकता हूं अपनी कार में और अपनी कार को भी क्लीन कर सकता हूं। तो ये काफी इसकी अच्छी बात है। बहुत ही यूनिक किस्म का इसका डिजाइन है। इसको करेंगे हम अनबॉक्स और बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए एक एक क्लैप में करते हैं इसको अनबॉक्स। तो वैसे तो आपका टाइम बचाने के लिए हमने इसे एक ही क्लैप में अनबॉक्स कर दिया, हालांकि इसकी पैकिंग काफी कमाल की थी और अनबॉक्स करने में भी मुझे टाइम लगा। अब यहां पे बताता हूं कि मुझे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले ये मिलता है मुझे एक फ्लोर हेड, और ये जो फ्लोर हेड है इसको आप इस ऐसे और ऐसे घुमा सकते हैं, पूरी तरह से फ्लेक्सीबल है। इसके अलावा यहां पर मिल जाता है हमें एक डस्ट कंटेनर, और इसके अंदर ही हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ये है एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर जिसको आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से कुछ पकड़ेंगे। इसके अलावा यहां पर हमें मिल जाता है एक बैटरी, और ये जो बैटरी पैक है ये है 2200 mAh का, 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में। इसके अलावा यहां पर मिल जाते हैं हमें दो नोजल, ये है एक क्रेविस नोजल यानी कि दरार वगैरह में काम आएगा वहां पे क्लीनिंग करनी हो तो, और ये है एक डस्टिंग नोजल, इससे हम अपना लैपटॉप या फिर सोफे वगैरह पे जो गंदगी होती है उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे मिल जाता है एक चार्जर, और चार्जर के साथ यहां पे हमें आपको दिखा देते हैं, यहां पे मिल जाता है एक एसेसरी हुक, यहां पे मिल जाते हैं वॉल माउंट स्क्रू, एक हमें मिल जाता है वॉल माउंट, यहां पर एक ये मिल जाता है हमको एक्सटेंशन ट्यूब, जब हमें एक दूरी पर सफाई करनी हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसको करता हूं पूरी तरह सेटअप और फिर आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों फाइनली सेटअप हमने कर लिया है, और यहां पर सबसे पहले जो बटन मिलता है ये है इसका फ्लोर हेड रिलीज बटन। इसके अलावा रेड कलर की जो मैंने आपको एक्सटेंशन ट्यूब दिखाई थी, यहां पर हमने एसेसरी हुक लगाया है, और इस पर हम दोनों नोजल को फिट कर सकते हैं। जैसे ये है हमारी एक डस्टिंग नोजल और ये है हमारी क्रेविस नोजल, हमें जिस नोजल की जब रिक्वायरमेंट हो तब उसको हम डिटैच करके यूज कर पाएंगे। और दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा एक एक्सटेंशन ट्यूब रिलीज बटन, और यहां पे जो एक रेड कलर का बटन है ये है डस्ट रिलीज बटन, और यहां पर आप अगर सामने की तरफ देखेंगे तो यहां पर है एक डस्ट कंटेनर रिलीज बटन, और यहां पे मिल जाती है आपको गीक की ब्रांडिंग, और नीचे एक टर्बो बटन भी दिखाया गया है, इसका भी मैं बताऊंगा कैसे हम उपयोग करेंगे। और यहां पे आप हैंडल की तरफ जो एक रेड बटन देख रहे हैं इससे हम इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसमें बॉटम साइड में हमें बैटरी लगानी है, और बैटरी के साइड में एक बटन रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बैटरी पैक रिलीज बटन। यहां पर जो डस्ट कंटेनर है ये 0.5 लीटर का है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये है इसका एक फिल्टर, और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये है एक चार्जिंग पॉइंट जिससे हम इसके बैटरी पैक को चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देखी, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बॉक्स कंटेंट आपको इसमें मिल जाते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन की, तो आप डिजाइन देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये कुछ इस तरह का डिजाइन नजर आता है, और अगर इसका एक साइड व्यू देखें तो आप साइड व्यू भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का नजर आता है। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये काफी इसकी लेंथ है, और इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, और अगर हमें मान लीजिए इसकी साइज को कम करना है तो एक्सटेंशन ट्यूब को हम यहां से हटा सकते हैं, इस तरह से हम इस बटन को दबाएंगे और इस तरह से इसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद इसको रख देते हैं हम नीचे, और यहां पर हम इसको ये जो हमारी क्रेविस नोजल है यानी कि जहां पर दरारें हैं वहां पर हमें इसे यूज करना है, तो हम सिंपली इसको इस तरह से यूज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसको इस तरह भी यूज कर पाएंगे, और अगर हमें ये भी यूज नहीं करनी तो हम इसे हटा देंगे, और हमारी जो ये ब्रश नोजल है इस ब्रश नोजल को भी हम यहां पर इस तरह से सेट कर सकते हैं, और यहां पर ये छोटा सा भी हो जाएगा और हम इसको इस तरह से भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों फ्लोर हेड की मदद से आप एक्सटेंशन ट्यूब यूज करेंगे, और आप इसमें अगर आपके पास वुडन फ्लोर है उसको भी क्लीन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास टाइल फ्लोर है तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा बहुत सैंपल यहां पे दिखा दिया है। इसके अलावा मैंने सोफे पे भी क्लीनिंग करके देखी, सोफे पे मैंने कुछ सरसों के दाने डाले, कुछ पोहे डाले, और आप देख सकते हैं इजिली यहां पर क्लीन हो गए। तो इस तरह से आप सोफे को भी क्लीन कर सकते हैं, और ये जो इसकी क्रेविस नोजल है इससे आप कीबोर्ड वगैरह को भी
क्लीन कर पाएंगे। 2200 एमएच की आपको बैटरी मिल जाती है, 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास में फुल चार्ज होती है, लेकिन जो इसका रनिंग टाइम है वो 25 से 30 मिनट का है, ये मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। लेकिन हाँ, इससे आप कार को भी क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये वायरलेस है, आप इजीली इसे चार्ज करके कार में लेके जा सकते हैं और कार को भी क्लीन इसमें कर पाएंगे। इसके अंदर आपको 2 स्पीड मिल जाती है, एक नॉर्मल स्पीड, एक टर्बो स्पीड। पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। दोस्तों आपने देखा नॉर्मल स्पीड में ये 4000 पीए की स्पीड देता है और जब हम टर्बो बटन को ऑन करते हैं तो ये 7500 पीए की स्पीड देता है। इसकी अगर प्राइस की बात करो तो 9999 रुपए है, लेकिन बाइंग लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके साथ प्रोमो कोड भी मैंने दिया हुआ है, वहां पर आपको 9699 में ये मिल जाएगा विद प्रोमो कोड, अगर आप प्रोमो कोड यूज करेंगे तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।